हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स. दिस इज द क्लास स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू इंग्लिश मीडियम एंड द टॉपिक इज फॉर क्लास फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ. वी आर गोइंग टू स्टडी हियर द न्यू टॉपिक नंबर. प्यारे बच्चों, आज हम आपका नया टॉपिक पढ़ेंगे. प्रीवियस क्लास में आपको अपोजिट्स एंटोनिम पढ़ाए थे, विलोम शब्द, लेकिन आज हम किसको पढ़ेंगे? नंबर को पढ़ेंगे, वचन को पढ़ेंगे. अंग्रेजी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स इन इंग्लिश. वन इज सिंगुलर नंबर एंड सेकेंड इज प्लुरल नंबर. शो हेयर वी विल स्टडी नंबर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स इन इंग्लिश. वचन अंग्रेजी में दो प्रकार के होते हैं. कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन. तो आपको यहां लिखना है नंबर एक में सिंगुलर नंबर और नंबर दो में लिखना है आपको प्लुरल नंबर. सिंगुलर नंबर और नंबर दूसरा क्या है? प्लुरल नंबर. प्यारे बच्चों, सिंगुलर नंबर एक वचन और प्लुरल नंबर का मतलब होता है बहुवचन. सिंगुलर का मतलब एक वचन, प्लुरल का मतलब बहुवचन. तो यहां हम कुछ रूल्स इसके पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ सिंगुलर नंबर एंड डेफिनेशन ऑफ प्लुरल नंबर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हेयर सिंगुलर नंबर. सिंगुलर नंबर, ए पर्सन ए नाउन विच टेल्स अस अबाउट ए पर्सन और ए थिंग और ए प्लेस. सिंगुलर नंबर का मतलब क्या होता है? ए नाउन, एक संज्ञा, विच टेल्स, जो बताती है अस हमें, अबाउट ए पर्सन, एक व्यक्ति के बारे में, और ए थिंग या वस्तु के बारे में, और ए प्लेस या स्थान के बारे में. उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सिंगुलर कहते हैं. और नंबर दूसरा आता है प्लुरल. प्लुरल नंबर का मतलब क्या होता है? ए नाउन, एक संज्ञा, विच टेल्स अस, जो हमें बताती है अबाउट मोर देन ए पर्सन और ए थिंग और ए प्लेस. मीन्स टू से माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ए पीस ऑफ चॉक. ये चॉक का टुकड़ा है, सिंगुलर नाउन है, एक है, लेकिन ऐसे कई टुकड़े होते हैं. दिस इज ए पीस ऑफ चॉक, पीस. बट I want to, if I want to express here plural number, then I will say pieces. Pieces. Pieces means क्या होता है? टुकड़े. और piece means क्या होता है? टुकड़ा. So, आप इसको लिखिए definition को. Number, हिंदी में कहते हैं वचन. There are two types of number. वचन दो प्रकार के होते हैं. एक होता है singular number, एक वचन. एक होता है plural number, बहुवचन. What is the definition of singular number? एक वचन की क्या परिभाषा है?
ए नाउन एक संज्ञा विच टेल्स अस जो हमें बताती है अबाउट ए पर्सन एक व्यक्ति के बारे में और ए थिंग या एक वस्तु के बारे में और ए प्लेस या किसी स्थान के बारे में एक स्थान के बारे में एक व्यक्ति के बारे में एक वस्तु के बारे में क्या कहलाती है सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर का मतलब ए नाउन एक संज्ञा विच टेल्स अस जो हमें बताती है अबाउट मोर देन ए पर्सन एक व्यक्ति एक वस्तु या एक स्थान से ज्यादा के बारे में। चलते हैं आगे, मैं इसको मिटा देता हूं कि किस प्रकार से आपको एक वचन से बहुवचन में बदलना है, एक वचन से बहुवचन में किस प्रकार से भी चेंज हम बदलते हैं ए नाउन, एक नाउन मीन्स किसको संज्ञा को। लेकिन कुछ प्रोनाउन भी हैं, उनका स्पेशली फिर लिखेंगे कि कौन कौन से सिंगुलर प्रोनाउन को हम प्लूरल में बदलते हैं और क्या उनका प्लूरल होता है। तो सबसे पहले आपको लिखना है दीज आर द फॉलोइंग, दीज आर द फॉलोइंग रूल्स टू चेंज ए सिंगुलर नाउन टू चेंज ए सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल। मीन्स टू से माय डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द फॉलोइंग रूल्स, ये निम्नलिखित नियम हैं टू चेंज माने बदलने के ए सिंगुलर नाउन एक वचन संज्ञा को इनटू प्लूरल किसमें बहुवचन में। तो आपको यहां लिखना है रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट इज जनरली वी अप्लाई, डियर स्टूडेंट्स आपको ये इंग्लिश में ही लिखना है बिकॉज यू ऑल बिलोंग टू इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, बट द स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू हिंदी मीडियम स्कूल्स कैन ऑल्सो कॉपी द सेंटेंसेज इंटू इंग्लिश। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इंग्लिश में ही लिखिए, मैं इसका डेफिनेशन, इसका ट्रांसलेशन, इसका अनुवाद आपको बता दूंगा। ओके आपको समझ माना चाहिए दीज माने ये आर हैं द फॉलोइंग रूल्स, निम्नलिखित नियम टू चेंज बदलने के ए सिंगुलर नाउन एक वचन संज्ञा को इनटू प्लूरल किसमें बहुवचन में। रूल नंबर फर्स्ट इज जनरली वी अप्लाई एस बिहाइंड द नाउन टू मेक इट प्लूरल। प्यारे बच्चों ये आपका पहला नियम है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं आपका पहला नियम आप आसानी से समझ जाओगे। देखिए जनरली सामान्यतः वी अप्लाई हम लगाते हैं एस, क्या लगाते हैं एस लगाते हैं बिहाइंड द नाउन संज्ञा के पीछे टू मेक बनाने के लिए इट इस संज्ञा को प्लूरल माने बहुवचन। किसी संज्ञा को बहुवचन बनाने के लिए हम इसके पीछे सामान्यतः क्या लगा देते हैं एस लगा देते हैं। ओके तो देखिए हम यहां आपको कुछ शब्द लेते हैं बॉय, इसके पीछे क्या लगा दोगे एस लगा दोगे जो क्या हो जाएगा बॉयज, बी डबल ओ के बुक, पीछे क्या लगाओगे एस क्या हो जाएगा बुक्स हो जाएगा, हो गया नहीं होगा एस सी एच डबल ओ एल, एस सी एच डबल ओ एल एस स्कूल्स बहुवचन हो जाएगा इसका। इसी प्रकार से और भी संज्ञा ले लेते हैं, यहाँ कोई भी शब्द आप ले सकते हो डी डबल ओ आर, डी डबल ओ आर डोर्स। ओके ये संज्ञाएं हैं, कोई भी संज्ञा ले सकते हो आप जनरली, हालांकि कुछ और नियम हैं उन नियमों को हम आगे पढ़ेंगे। फैन क्या लगा देंगे पीछे एस,
क्या हो जाएगा, फैंस हो जाएगा, एफ ए एन एस। ओके चलते हैं आगे, डब्ल्यू ए डबल एल वॉल, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए डबल एल एस वॉल्स। ओके डी ओ जी, क्या हो जाएगा, डॉग्स। पी ए डबल आर ओ टी, क्या हो जाएगा, पैरट्स। ओके दीज आर सम एग्जाम्पल्स, ये फर्स्ट रूल के एग्जाम्पल हैं। बॉय का एस लगा दिया पीछे, ये कह रहा है जनरली सामान्यतः, वी अप्लाई हम लगाते हैं एस, क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं बिहाइंड द नाउन संज्ञा के पीछे टू मेक इट प्लुरल, इस संज्ञा को क्या बनाने के लिए, बहुवचन बनाने के लिए। बॉय का क्या हो गया, बॉयज, बुक का बुक्स, स्कूल का स्कूल्स, डोर का डोर्स, फैन का फैंस, वाल का वाल्स, डॉग का डॉग्स, पैरट का पैरट्स, इस प्रकार से ये हो गया। ओके चलते हैं नेक्स्ट रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड, इफ देयर इज एस एस सॉरी एस डबल एस एस एच एक्स जेड डबल जेड ओके ओ ओ एक्स जेड डबल जेड एस डबल एस एस एच सी एच, इफ देयर इज एस डबल एस एस एच एक्स जेड डबल जेड ओ सी एच बिहाइंड द नाउन, बिहाइंड द नाउन, देन अप्लाई ई एस टू मेक इट प्लुरल। प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं रूल नंबर सेकंड के बारे में। आज तो आपकी ये क्लास समाप्त नहीं होगी, कल आपकी ये क्लास समाप्त हो जाएगी, नेक्स्ट उसमें क्लास में हम जब बात करेंगे तो ये आपका समाप्त हो जाएगा ये टॉपिक ही। लेकिन आज तो हम केवल दो ही रूल्स पढ़ रहे हैं, हो सकता है कल भी नहीं परसों समाप्त हो, यानी कि अगले रोज ये समाप्त हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल्स हैं। कुछ ऐसी भी संज्ञाएँ हैं जिनका अपन एक वचन और बहुवचन समान ही होते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो लगती तो बहुवचन जैसे हैं लेकिन एक वचन ही होती हैं। जैसे कि हम पैंट को बोलते हैं, जो पैंट पहनते हैं उसको कभी पैंट नहीं बोलते हैं प्यारे बच्चों, उसको बोलते हैं पैंट्स। पाजामा को पाजामा नहीं बोलते हैं जनरली, इसको क्या बोलते हैं, पाजामाज, गलत बोलते हैं पाजामा, एक वचन नहीं होता, पाजामाज ही होता है। सिजर्स कैंची, एस लगेगा उसके पीछे, जिसके दो टांग होती हैं उसको हम बहुवचन में ही बोलते हैं, ये ध्यान रखना। ऐसी संज्ञा के बियाइंड द नाउन देन अप्लाई ई एस टू मेक इट प्लुरल। प्यारे बच्चों ये कह रहा है इफ यदि दियर इज एस, यदि क्या हो, एस हो डबल एस हो एस एच हो एक्स हो जेड हो डबल जेड हो ओ हो सी एच हो, बिहाइंड द नाउन किसके पीछे, संज्ञा के पीछे, ये संज्ञा दी हुई है, इनके पीछे यदि क्या होता, यहाँ यहाँ पीछे पीछे क्या होता, एस होता डबल एस होता एस एच होता एक्स होता जेड होता डबल जेड होता ओ होता सी एच होता, तो हम क्या लगा देते, ई एस लगा देते टू मेक इट प्लुरल, इसको क्या बनाने के लिए, बहुवचन बनाने के लिए। चलते हैं देखिए कुछ शब्द लेते हैं, बी यू एस, क्या है बी यू एस, चलो यहाँ लिखते हैं इसको बी यू एस। अब बताइए पीछे क्या आ गया, एस आ गया, तो हम क्या लगाएंगे, बी यू एस ई एस, बस मीन्स होता है बस। दूसरा शब्द लेते हैं बी यू एस एच, अब देखिए क्या आ गया पीछे, एस एच आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, बी यू एस एच ई एस बुशेज, बुश मीन्स क्या होता है, झाड़ी, क्या होता है, झाड़ी। और लेते हैं बी आर ए एन सी एच ब्रांच, अब देखिए पीछे सी एच आ गया, तो हम क्या लेंगे, बी आर ए एन सी एच ई एस, क्या हो गया, ब्रांचेज। ओके जैसे कि एम ए एन जी ओ,
मैंगो, पीछे क्या आ गया, ओ आ गया, तो एम ए एन जी ओ क्या लगा देंगे, ई एस लगा देंगे। आ गया समझ में आपको, बी ओ एक्स, बी ओ एक्स, बताइए बी ओ एक्स क्या लगा देंगे पीछे, ई एस लगा देंगे, क्या हो जाएगा, बॉक्सेस, क्या हो जाएगा, बॉक्सेस। इस प्रकार से आपका एक वचन, एक नाउन को हम बहुवचन में बदल देते हैं। आप इनको कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आशा करता हूँ आपको इस समझ में आ गया होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज की ये क्लास यहाँ समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। थैंक्स ए लॉट।